तो भाई साहब अभी अभी ब्रह्मास्त्र का इंटरवल हुआ है, लेकिन भाई मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा भाई, यार क्या बना दिया यार, यार मतलब अनएक्सपेक्टेड। जब बॉलीवुड को बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हुई थी तब यहाँ पर ब्रह्मास्त्र ने बॉलीवुड की डूबती हुई नैया को बचाया। यहाँ पर बॉलीवुड को बचाने में ब्रह्मास्त्र का बहुत बड़ा हाथ है भाई। लेकिन गाइज ब्रह्मास्त्र का फाइनली टोटली 1B का कलेक्शन आ चुका है। जी हाँ गाइज, टोटली 1B का कलेक्शन आ चुका है। यहाँ पर 300 करोड़ का पूरे वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, यानी पूरे वर्ल्ड वाइड सभी लैंग्वेज मिला के, हिंदी इंग्लिश तेलुगु सब कनाडा वना जितने भी लैंग्वेज में यहाँ पर ब्रह्मास्त्र लॉन्च हुई थी सब मिला के 300 करोड़ का पहले वीक का कमाई हुई है भाई। बहुत सारे बंदे इस कमाई का बिलीव नहीं कर रहे, कलेक्शन को बिलीव नहीं कर रहे। बहुत सारे जो हेटर्स है जो ब्रह्मास्त्र के, जो बहुत सारे जो बॉलीवुड बाइकॉट गैंग वाले दुम दबा के बैठे, वो अभी तक ये मानने के लिए तैयार नहीं कि भाई ये हुआ कैसे। बाइकॉट गैंग वालों को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि भाई ये कलेक्शन फेक है। मैं आप सबको बता दूं कि भाई ये बिल्कुल भी कलेक्शन फेक नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन इसके लिए मैं प्रैक्टिकल करके बताया कि देखो यहाँ पर जब ब्रह्मास्त्र जब टिकटें बुक हो रही थी शुरू में, जब ब्रह्मास्त्र की टिकटें बुक हो रही थी तो यहाँ पर बहुत सारे हाउसफुल चल रहे थे, बहुत सारे टिकटें सोल्ड आउट हो रहा था। तो बहुत सारे बंदे क्या बोल रहे थे, जो बाइकॉट गैंग वाले जो बोल रहे थे कि ये सब फेक है, ये सब नकली है, सब मतलब कोई भी हाउसफुल नहीं है। इसके लिए मैंने भी बुक माई शो पर यहाँ पर टिकट बुक किया और जाके हॉल में देखा था भाई। उसके बाद देखो हॉल में जाने के बाद यहाँ पर मुझे लगा कि बंदे कोई नहीं आएगा, लेकिन हॉल में जाने के बाद कुछ अलग ही सीन था। पहले वीडियो देखो आप। सो गाइज थिएटर में जाने के बाद गाइज कुछ अलग ही सीन था भाई। यहाँ पर देख सकते हो आप सभी, यहाँ पर सीट फुल, यानी कि एक भी बंदा है नहीं कि जो सीट खाली है। मुझे लगता था कि यहाँ पर सीट पे कोई आएगा नहीं, लेकिन भाई यहाँ पर पूरी सीट फुल थी, एक भी सीट खाली नहीं थी भाई। ऐसा मुझे फर्स्ट टाइम लगा भाई, मैं इतने मूवी में तो हर बार मैं मूवी देखते रहता हूँ, लेकिन गाइज ऐसा मुझे फर्स्ट टाइम लगा कि कोई भी सीट खाली नहीं था। यहाँ तक कि जो सबसे आगे वाला होता है, यहाँ तक जो सबसे आगे वाला सीट होता है, जो सबसे आगे क्योंकि कोई नहीं बैठता भाई, लेकिन वो भी सीट भाई फुल थी भाई, अनएक्सपेक्टेड था यार। ये मूवी का लास्ट सीन है, जब हम निकल रहे थे तब का सीन है, तो उससे पहले ही बहुत सारे बंदे निकल गए, लेकिन गाइज देखो फिर भी गाइज यहाँ पर सारे टिकटें सोल्ड आउट थी भाई। यहाँ पर प्रॉपर हाउसफुल यार, आपको बिलीव नहीं हो रहा था, वीडियो लाइव जो था प्रॉपर हाउसफुल थी, और मूवी का एक्सपीरियंस भाई बहुत ही खतरनाक, बहुत गजब एक्सपीरियंस था भाई। गाइज ब्रह्मास्त्र एक्चुअल में सही में हाउसफुल था, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ फेक यहाँ पर टिकट बुक हुई, फेक कलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं भाई। सही में भाई 300 करोड़ का पूरा वर्ल्ड वाइड पैसे कमा चुका भाई। मेकर्स ने ऑफिशियली यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है, तो पहले वीक का यहाँ पर 300 करोड़ है कि बहुत बढ़िया कलेक्शन है भाई, बहुत बढ़िया वीक गया है भाई। अभी तक बॉलीवुड के जितने ही मूवीज आई है सबसे बहुत ही ज़्यादा, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ रही है ब्रह्मास्त्र, क्यों ना तोड़े भाई मूवी ऐसा कुछ बना यार। तो गाइज आप सबका इसमें क्या राय है कि एक्चुअल में कलेक्शन फेक है या फिर यहाँ पर असली है? तो मुझे तो लगता है फेक नहीं है। बहुत सारे बाइकॉट गैंग वालों के, बाइकॉट गैंग वाले उनको लगता है वो कि फेक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप सब क्या लगता है, जो यहाँ पर लाल सिंह चड्ढा हुई लाइगर को बाइकॉट किया, भाई आपने बाइकॉट नहीं किया, एक्चुअल मूवी खराब था भाई। ब्रह्मास्त्र को जनता सपोर्ट कर रही है, जैसे जिसको जनता सपोर्ट करेगी उसको कोई भी गैंग, कोई भी बाइकॉट वाले उनको बाइकॉट नहीं कर सकते भाई। हमेशा भाई कंटेंट किंग होता है, जहाँ कंटेंट दोगे तो यहाँ पर कोई भी बाइकॉट यहाँ पर काम नहीं आने वाला। अगर कंटेंट अच्छा होगा तो मूवी हिट जाएगी, जैसे कि ब्रह्मास्त्र के साथ हुआ। बहुत सारे बंदों ने बाइकॉट करने की ट्राई किया लेकिन बाइकॉट नहीं हुआ भाई, एक्चुअल में मूवी हिट हुई क्योंकि कंटेंट में दम था। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई क्या ऐसे भविष्य मूवी आएगी नहीं, इसीलिए आप बंदे ने सपोर्ट किया। बहुत इसी के लिए देखा जाए तो यूथ ने सपोर्ट किया ब्रह्मास्त्र को। सो इसमें आपका क्या राय मुझे बता देना, और आप सब हमें सपोर्ट कर सकते हो यहाँ सब्सक्राइब बटन दबा के, क्योंकि यार बहुत बड़ा यार खुशी का दिन है यार, 300 करोड़ बहुत ज्यादा होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वीक में कितना कमाता है, ठीक है। सो गाइस आज तो यहाँ फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे में 2 दिन कलेक्शन देखता क्या आता है, और भाई उसके बाद 400 करोड़ कब तक भाई मूवी अपने बजट निकालता है, बिकॉज 400 करोड़ की मूवी बनी हुई है। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप हमें सपोर्ट करिए, यहाँ पर लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।